भी किया। अब हम बात करते हैं ये लीवरेज आप तब निकाल पाओगे जब आपको सिंगल ईयर का डेटा गिवन है। कई बार आपको बोलेगा 2013 और 14 का दे देगा और बोलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, दोनों साल को कंपेयर करके ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, ठीक है ना। ये कब का है हमारा, सिंगल ईयर का डेटा। कई बार आपको दो साल का कंपेयर करके निकालने को बोलेगा, तो व्हेन मोर देन वन ईयर डेटा, व्हेन टू ईयर गिवन, जब दो साल का आपको डेटा गिवन हो तो क्या करें। ऐसे सिचुएशन में भी तीन होंगे, क्या होंगे, DOL, DFL। बाकी इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन अभी करना बाकी है, आज की क्लास में तो नहीं होगा, हमारा आगे होगा। एक होगा DCL, DOL, DFL और DCL। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि एक क्लास लग जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है हमारा चेंज इन ईबीआईटी, या फिर इसको अभी रहने देते, नहीं तो ये फिर बोलोगे सर इसका क्या है ये। इसका अपोजिट फॉर्मूला आ जाता है, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है यहाँ पे, मतलब अपोजिट हो जाता है। तो क्यों होता है पहले हम प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, लीवरेज का मतलब हम क्या देख रहे थे, कोई बताएगा लीवरेज? कम एफर्ट इजी, यानी कम एफर्ट ज्यादा रिजल्ट। इस थ्योरी को एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं, एक बार इस थ्योरी को हम, जो हमने अभी क्वेश्चन किया इसी में हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं क्या रहता है इसका एफर्ट, ठीक है। क्योंकि कई बार ना लोगों का मानना है कि भैया लोन लेके मत काम करो यार, बेकार होता है लोन लेके काम करना। पूछा क्यों, ब्याज दोगे ये दोगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई लोन लेके काम करो, बेनिफिट होगा। क्योंकि लोन नहीं लोगे तो आपके इक्विटी होंगे, कैपिटल होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑनर होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा जाता है, तो सभी के हिस्से में थोड़े आते हैं, और नंबर ऑफ ऑनर कम होंगे तो कम जाएंगे। तो उसी चीज को हम आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे आगे कर लेते हैं। पहले यहां तक हर बच्चों को क्लियर है तब आगे बढ़ूं, पता चले कि मैं बहुत ज्यादा आगे निकल गया और बोले सर पहले जो फर्स्ट पेज पे बताया था वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बता दो। वो सारे जितने भी श्रेया आपका जितने भी क्वेश्चंस है, अभी सिर्फ मैं बेसिक एक बार फॉर्मूला तो आपको याद करा दूं, उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनाया, इसका मीनिंग क्या है और क्यों हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और कहां कहां अप्लाई होता है, वो सब चीज देख लेंगे। अलका क्लियर, अभिषेक क्लियर, श्रेया ओके, हैंड रेज अभी ना एक से दो दिन, मतलब दो दिन के बाद आपका हैंड रेज का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा जहां पे आप क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो अभी ना हैंड रेज, क्योंकि ना देखो लैपटॉप के अंदर एक ही जैक है तो वहां पे लगाया हुआ है, यूएसबी जैक मंगवाया हुआ है, एक से दो दिन में ऑर्डर किया है वो आ जाएगा, फिर आपका हैंड रेज का भी ऑप्शन ले लेंगे। दिया क्लियर, क्लियर सर एक बार समझा दो, आंसर आता है डिग्री में मतलब क्या है। डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मापने का डिग्री होता है। डिग्री आप वो मत समझिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, डिग्री का मतलब होता है किसी को कि जैसे फीवर को कैसे नापते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर है, तो इसीलिए इसके आगे बस एक डिग्री लगाया हुआ है, बाकी नाम इसका सिंपल ऑपरेटिंग लीवरेज है। कई बार बोल दिया जाता है फाइंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तब बच्चा बोलता है सर ऑपरेटिंग लीवरेज तो सीखा लेकिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं सीखा, तो एक तरीके से इसलिए लगाया जाता है, बस एक रिस्पेक्टिव मान लो, बाकी ऑपरेटिंग लीवरेज होता है सिर्फ। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए एक और पॉइंट देख लें। हम ये वाला पार्ट अभी छोड़ रहे हैं, ये वाला पार्ट कर लिया, इसी पार्ट पे हम आगे चलते हैं।
देखिए सर, मैं ना डेटा लिख दूं, डेटा क्या, एक और कॉलम बना दे, मैं पहले ही दो कॉलम तैयार कर लेता हूं, चलो तो मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड है और ये सारा ना कंपनी का होता है मेनली, और क्या ले सेल्स ले लेते हैं 20,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट। एक बच्चे ने पूछा सर वेरिएबल कॉस्ट बता दो क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट होता है जैसे जैसे हम सेल करते हैं एक यूनिट को बेचने का खर्चा उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, एक यूनिट को बनाने का खर्चा उसको वेरिएबल कॉस्ट में काउंट कर। मान लेते हैं 8,000, फिक्स कॉस्ट 10,000, इंटरेस्ट 1,000, ठीक है। फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज, क्वेश्चन सिंपल है, चल फटाफट निकाल देंगे बच्चे ये तो। सेल्स सर आपने बताया 20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं 8,000, इसके बाद कंट्रीब्यूशन 12,000, माइनस क्या करें कितने हैं, ये क्या आ गया हमारा ईबीआईटी, माइनस क्या कर दें, क्या कर दें बताओ, इंटरेस्ट कितने हैं, और ये बच गया हमारा ईएटी 1,000, ठीक है। एक मैं सिंपल सा डेटा पूछना चाह रहा हूं, उस डेटा का जवाब देना, तब मैं एक क्वेश्चन इसमें एड ऑन करूंगा। 2010 मैं मेरा सेल्स जो था 2000 है और 2011 में मेरा सेल्स 3,000 है, मुझे बताओ परसेंटेज के टर्म्स में कितने परसेंट बढ़ गया है, परसेंटेज के टर्म्स में कितने परसेंट बढ़ गया है। कौन कौन बच्चा बताएगा, श्रेया ने 50%, अभिषेक 50%, जितने बच्चे सभी कमेंट में किया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूं आपके, देख रहा हूं मैं सर। ईएटी क्यों, अच्छा हाँ सही बोल रहे हो, ईएटी नहीं होगा ईबीटी होगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ईबीटी ठीक है। सभी का जवाब एकदम करेक्ट। अब मैं इस 50% को थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूं कैसे आया होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1,000 और डिवाइड मैं करूंगा 2,000 से और इनटू किससे करूंगा मैं 100 से, इनटू किससे करूंगा मैं 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 50%। यानी किसी का हमें परसेंटेज अगर 2 साल का डेटा दे और उसका परसेंटेज निकालना हो तो क्या होता है हमारा डिफरेंस अमाउंट दोनों के बीच का, और डिवाइड किससे कर देते हैं हम बेस ईयर, बेस ईयर 2 साल होते हैं। आपने स्टैट्स आपके पास आएगा, अभी स्टैट्स में पढ़ोगे या कभी आपने 11th में भी पढ़ा होगा तो इंडेक्स नंबर में देखा होगा आपने, तो बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब होता है कौन सा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ये है पिछला साल ये है, तो बेस ईयर या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर पिछला साल, और मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला लगा के निकाला है। अब 50% देखो आपने बता दिया सही था और मैंने भी वही फॉर्मूला लगाया बता दिया, बस मैं आपको फॉर्मूला बनाना के बताना चाह रहा था कि भाई एक्चुअल में ये आया कैसे, समझ में आई बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
और वेरिएबल कॉस्ट का ना परसेंटेज कोई बच्चा बताएगा 8000 कितने परसेंट है, 20000 का 8000 कितने परसेंट है? मैं कुछ परसेंटेज देखना चाहता हूँ, आपने कितनी पढ़ी है और क्या क्या करा हुआ है अभी तक, कितने परसेंट है कौन बताएगा? आप बताओ, 20000 रुपए हमारा सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 8000 है, तो कितने परसेंट है बताओ? जवाब आया 40%। लाइव वाले बच्चे बताओ 40% दिया का सबसे तेज आंसर आ रहा है, 40 40 40 सभी बच्चों ने बताया 40। डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस 2000 माइनस इन दोनों के बीच का, तो 1000 डिफरेंस आएगा बस, 40%। इसका मतलब 40% एकदम 100% आपका करेक्ट आंसर है। और कैसे निकाला मैं बता देता हूं, आपका जो हमारा इसके बीच का हमें निकालना क्या है, ये कितने परसेंट है, तो आपने लिखा वीसी अपॉन में क्या लिखा, सेल्स इनटू में 100। सर ऐसा क्या करा हमने, बिल्कुल ऐसा ही करा आपने, 8000 डिवाइडेड बाय 20000 इनटू में 100। अब बताओ कितने परसेंट आ रहा है साहब? ये है 60%। सिंपल दिख तो रहा है आपको, 40% तो 8 ही, एक मिनट 60 थोड़ी आएगा, 40 आएगा सर, 60 कैसे निकाल रहे हो, 40 आएगा, बोलो 40 आएगा भाई, सही बता रहे थे, ये आएगा 40 आएगा, 60 थोड़ी आएगा, कोई बच्चा बोल रहा 60 आएगा, 60 तो 12000 आएगा, कैलकुलेटर ओरिजिनल लो, एफसी मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, मैंने एफसी लिख दिया फिक्स कॉस्ट, फुल वर्ड ना आप ना रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाए नंबर ऑफ यूनिट घट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यानी सर आप अगर आपके पास सेल्स हो और वेरिएबल कॉस्ट हो तो आप निकाल सकते हो उसका परसेंटेज, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, मैं भी आपको निकाल निकाल के बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि मैं नीचे एक चेंजेस करना चाहता हूं और उसके हिसाब से मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, बस और कुछ भी नहीं है। अब बताइए फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, अगर मैं बताऊं 20000 सेल पे मेरा 10000 है तो कौन बच्चा बताएगा मेरा 30000 के सेल्स पे मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा, कौन बताएगा 30000 के सेल्स पे फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जल्दी बताइए 30000 के सेल्स पे फिक्स कॉस्ट कितना होगा, बच्चे कह रहे हैं 3D साउंड आ रहा है 30000 के सेल्स पे आप बताइए हमारा फिक्स कॉस्ट कितना होगा, दिया का आंसर आ गया 10000 10000, एक ने 15000 बता दिया, 15000 भी आंसर आ रहा है, 15000 15000, नहीं आपका आंसर गलत है, आंसर है राइट 10000, जिन बच्चों ने 15000 बताया है उसका आंसर है 10000, इसलिए मैं पूछ पूछ के कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से कराना चाहता हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा बोर तो हो जाएंगे सर क्या क्या बता रहे हैं ये तो पता ही चल रहा था। अब देखो जैसे 2010 में मेरा सेल्स, अब ध्यान देना 2010 में मेरा सेल्स अगर 10000 है तो सर 2011 में मेरा सेल्स अगर 15000 है, अगर मैंने कहा कि यहां का फिक्स कॉस्ट 5000 है तो सर यहाँ का भी फिक्स कॉस्ट कितना होगा 5000, 2000 अगर मैं 12 का सेल्स बताऊं 50000 है तो तब भी फिक्स कॉस्ट क्या होगा हमारा 5000, 2013 का अगर मैं सेल्स बोलूं 2,00,000 है या 1,50,000 है तब भी मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा 5000, यानी मैं कहना चाहता हूं कि फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता हमारा आउटपुट के बढ़ने या फिर घटने से। इसी तरीके से पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा फिक्स कॉस्ट मैंने पूछा था आपसे कि 20000 पे अगर हमारा 10000 है तो 30000 पे फिक्स कॉस्ट कितना होगा 10000, और इंटरेस्ट भी कभी चेंज नहीं होगा, इंटरेस्ट भी वही रहेगा, समझो ये बात। तो एक तरीके से इंटरेस्ट भी कई बार ना फिक्स कॉस्ट के जैसा रिएक्ट करता है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जितना लोन लिया उतना ही ब्याज जाना है, सेल्स बढ़ने से ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा सेल्स बढ़ गया ब्याज थोड़ा ज्यादा दे दूं क्या मैं आपको, नहीं हो सकता, जितना लोन लिया था उतना ही होगा। मैंने कहा कि मैं ना अब वही क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 यहां लिख रहा हूं, इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10,000
देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन, देखो सवाल ने क्या पूछा, एक लाइन लिखा मैंने, अगर हमारा सेल्स ना 10,000 से बढ़ जाए, इसका मतलब सर सेल्स हमारा हो जाए 10,000 से बढ़ाने का मतलब तो यही होगा कि 20,000 में हम 10,000 ऐड करें, 30,000 हो जाए, तो हमारे ईवीआईटी के परसेंटेज में कितना फर्क आएगा। ये हमारा प्रेजेंट डेटा है और ये हमारा एक्सपेक्टेड डेटा या करंट डेटा बोल लो, परसेंटेज निकालने के लिए ये मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा है, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ कौन बच्चा बताएगा अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट 40% पता है तो सर अब कितना हो जाएगा और ये कितना बचेगा हमारा 12,000-18,000। अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितना होगा, अभी बताया सर 10,000 ही रहेगा फिक्स कॉस्ट, तो सर फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर दे तो कितना बचेगा 8,000। अब ये भी यही रहेगा, कितना आया 7,000। अब ईबीआईटी कितने परसेंट चेंज हुआ मैं इधर करके दिखा देता हूं, ठीक है, ईबीआईटी कितने चेंज हुआ है, तो डिफरेंस लेंगे दोनों के बीच का, व्हाट इज द डिफरेंस 6,000। मैं वही फॉर्मूला साइड में लिखा है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता क्योंकि किसी परसेंटेज चेंज को डेल्टा लगा देता हूं, ये लो किसी परसेंटेज चेंज को कैसे करा जाए, तो परसेंटेज चेंज में क्या था डिफरेंस, डिफरेंस क्या था हमारा, डिवाइड किससे किया जाए बताओ, डिवाइड हम किससे करें 6,000 से करें, बेस ईयर क्या है हमारा बताओ, अच्छा डिफरेंस क्या आएगा 6,000, मैं मेरे को लगा आप 6,000 से डिवाइड करने का बोले, डिफरेंस 6,000 आएगा भाई, रिपीट कर दिया 6,000, ठीक है, डिवाइड किससे करें, कौन बताएगा डिवाइड कितने से, 1,000 से डिवाइड होगा इनटू बताइए कितने परसेंट आ रहे हैं 60%, कितने परसेंट 600%, कितने परसेंट आ गए सर 600%, यहां पे भी 60 दे रहे हैं बच्चे 600, हाँ मैंने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कहां बोला, ईबीआईटी तो लिया मैंने, अच्छा मैं ईबीटी लिख देता हूं, ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको ईबीटी दोनों ही ले लेंगे, ईबीटी पूछ लिया, चलो ईबीटी पूछ लिया कोई बात नहीं, ईबीआईटी बोला था, ऊपर वाला भी लेने होगा तो ऊपर वाला भी आप इजीली निकाल सकते हो, इनके बीच का भी डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है, ये ईबीटी है भाई, ईबीटी है, लिखने और बोलने में गलती हो गई, यानी हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ चुका है पिछले बार की तुलना में, कितने परसेंट बढ़ चुका है 600% बढ़ चुका है, सेल कितने परसेंट बढ़ा है कौन बच्चा बता सकता है, कोई बता सकता है सेल्स कितना बढ़ा है, सेल्स कितने परसेंट बढ़ा है यहां से यहां तक जाने में, आपने जवाब दिया यहां निकाल के भी देखा ये रहा यही सेम ही डिजिट तो है, तो कितने परसेंट बढ़ा है यहां एक जीरो रहेगा, यहाँ एक जीरो छोड़ो ये अलग क्वेश्चन था, ठीक है, कितने परसेंट बढ़ा है सेल, हमारा एफर्ट जो है सेल्स में 50% है लेकिन रिजल्ट कितने परसेंट मिल गया 600% जंप हो गया हमारा, दैट इज लीवरेज कि हम कम एफर्ट लगा के ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट का इंक्रीज कर लेते हैं, ये बिजनेस के लिए ना बहुत रिस्की भी है और बहुत फायदेमंद भी है। सर रिस्की क्यों है, अगर मैं इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी इधर चला गया ना सेल्स, अगर मेरी 15,000 आ गई मैं फट से लॉस में आ जाऊं, क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट जो है ना हमारा ऑलमोस्ट 50% सेल्स का है, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है सेल्स का अप्रॉक्स 50-60%, तो उसके प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ता है और लॉस भी बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना, उन चीजों पे हम देखेंगे चेंज वाले में, पहले ये समझ में आया आपको, ठीक है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज जो बोला था वो नहीं निकाला, आप डिफरेंट लीवरेज इसका निकाल पाओगे
इसको कहां रखें, कहां रखें, साइज छोटा कर दें, चलिए दोनों का लीवरेज बता दीजिए फटाफट। मैं ए अब ये तो इधर ही आ जाएगा, टी ओ एल डी एफ एल डी सी एल, कौन बच्चा बताएगा, डी एफ एल, डी एफ एल बता दो फटाफट, इसका दोनों का बताना है, अब इसका भी बताना होगा और इसका भी बताना होगा, बताइए। वन पॉइंट और आगे डीएफएल है, ये क्या है डीओएल सिक्स, देखो कितना रिस्की हो गया ये, सिक्स पॉइंट ये वाला बताइए, ये होगा हमारा इसका टू पॉइंट रिस्की, ये भी एक से बहुत ज्यादा है, इसका भी बताओ, ये डीएफएल का ये किसका है ये बताओ, तो सीधा सीधा बताओ ना आप, कभी इधर का बता रहे हो कभी इधर का बता रहे, मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो भाई, ट्रस्ट नहीं कर सकते, आठ हजार सात हजार, ठीक है बिल्कुल 100% करेक्ट है, हमारे सवाल में क्या क्या था, और बिल्कुल ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन है। नंबर वन कि सर यहाँ पे डीएफएल क्या था, डीएफएल या डीओएल में बात करूं तो तीनों हमने डिग्री भी निकाल लिया, डेटा को हमने स्विच भी कर दिया, और परसेंटेज, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज चेंज इन, कोई बता सकता है क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, ईबीआईटी को ले लेंगे, डिफरेंस कितना है, 6/2000 कितने हो गए, हाँ तो अब देखिए मेनली अब मेरे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है, अब मैं इसको ना नाम दे देता हूँ, एक कंपनी वन है ये और एक कंपनी टू है, अब कौन सा कंपनी बेहतर है इन दोनों के कंपैरिजन में, कौन सी कंपनी बेटर है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो मेरे मुझे पता है कि इसका डीएफएल क्या, डीओएल क्या है, इसका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कम, तो जितना ज्यादा कम ऑपरेटिंग लीवरेज होगा वो उतना बेटर होगा, यानी ये बेस्ट है। सर एफएल में भी कौन सा बेस्ट है, यही बेस्ट है, और कंबाइन में भी यही बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि एक जिसका बेस्ट आ गया सारा ही उसका बेस्ट होता है, ऐसा कभी भी नहीं आता, मेरे हिसाब से जिसका आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कम है, कम जिसका आपका फाइनेंसिंग लीवरेज कम है, जिसका आपका कंबाइन लीवरेज कम है, वो कंपनी हमेशा बेस्ट माना जाता है, ना कि ज्यादा वाला, वैसे तो नॉर्मली हम क्या सीखते हैं, जो नंबर ज्यादा है वही बढ़िया है हमारे लिए, लेकिन इस वाले सिचुएशन में जो नंबर जितना कम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि मोर हेल्दी है कंपेयर टू अदर बिजनेस। हाँ वीडियो अभी रिकॉर्ड हो जाएगी और मिल भी जाएगी, चिंता मत करो, वीडियो मिल जाएगी और ये मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगी ये सारी वीडियो।
ओवर करते, बस लास्ट टॉपिक था, बस ये बताना था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक क्या कर लिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिलेबस को तो छोड़ते हैं, बुक को भी छोड़ते हैं, हमने यहां से स्टार्ट किया था, याद होगा लीवरेज क्या होता है, इजी होता है, इजी का मतलब हम कम एफर्ट लगा के, और अभी तक बस इसी पे मैं डिस्कस करता जा रहा हूं कि ऑपरेटिंग लीवरेज जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, थ्योरी आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लीवरेज। तो मैं बता सकता हूं ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, बिजनेस का फिक्स कॉस्ट को डिफाइन करता है बिटवीन किसके, आपके कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। तो जब थ्योरी वाले हम सेक्शन को करेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट था, दोनों को कंबाइन कर दिया। सर इसका पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर है, क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे, इसके अंदर हमारे काम की चीजें इतनी थी, यानी अगर देखा जाए तो जो अगला फॉर्मेट है सिर्फ इतना काम का होता है हमारा लीवरेज चैप्टर के लिए, और बाकी सर यूनिट नंबर कौन सा चल रहा है, ये यूनिट नंबर 3 का हमारा ये चैप्टर सेकेंड चल रहा है, हमने वो चैप्टर पिक किया जो कि आगे हमें काम आएगा बाकी सारे चैप्टर में। एक क्वेश्चन ये देख लिया, डबल करके भी हमने सारा चेक कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे का नहीं, तो हम नेक्स्ट क्लास, कल छुट्टी रहेगी, परसों अगेन क्लास होगी आपकी, टू बी कंटिन्यू। लीवरेज को हम आगे लेके चलने वाले हैं, और लीवरेज में क्या करना है नहीं करना है उसके आगे देखेंगे। अभी 2 साल के डेटा वाला पेंडिंग है, फिर हम बुक का क्वेश्चन उठाएंगे, और अगली क्लास में हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना, ठीक है।